हाय डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल पर इंटरनेट किस तरह से चालू स्टार्ट या प्रारंभ कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो थ्योरी के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल पर इंटरनेट प्रारंभ करना, सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना होता है कि जिस मोबाइल में इंटरनेट चलाना है उसमें GPRS की सुविधा है या नहीं। जब यह पता चल जाता है कि हाँ मोबाइल में यह सुविधा है, तो जिस कंपनी का सिम कार्ड लगा है उस कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र को फोन करके GPRS प्रारंभ करने का आग्रह करना पड़ता है। शुरुआती जांच के बाद जब ग्राहक सेवा केंद्र आपके आग्रह को मान लेता है, तो आपके मोबाइल पर एक संदेश प्राप्त होता है। यह एक सिस्टम संदेश होता है जिसमें इंटरनेट सेटिंग्स समाहित होती हैं। इस संदेश को खोलकर इसे मोबाइल में सेव करना होता है। इसके सेव होने के बाद ही मोबाइल में इंटरनेट प्रारंभ की जा सकती है। हर एक मोबाइल कंपनी की अपनी अपनी GPRS की शर्तें होती हैं डियर फ्रेंड्स, जिसे ग्राहक सेवा केंद्र के मार्फत में जान सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से स्टार्ट करना होगा। स्टेप एक में GPRS सपोर्ट करने वाला मोबाइल खरीदना होगा। स्टेप दो में GPRS सेवा देने वाला सिम कार्ड लेना होगा। स्टेप तीन, सिम एक्टिवेट होने के बाद ग्राहक सेवा केंद्र को GPRS सुविधा के लिए आग्रह करना। स्टेप चार, ग्राहक सेवा केंद्र से आया संदेश GPRS सेटिंग को मोबाइल में सेव करना। स्टेप पाँच, मोबाइल रिस्टार्ट करके मोबाइल इंटरनेट ब्राउज़र खोलकर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में इंटरनेट की सेवा को प्रारंभ या स्टार्ट या शुरू कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।